शहर के भीतर स्विमिंग पूल निर्माण में एक बार फिर दिखाई दिया हवा हवाई एजेंडा। नगरपालिका के प्रस्तावित निर्माण की सूची में शामिल स्विमिंग पूल का निर्माण कार्य। स्विमिंग पूल निर्माण कार्य के विषय में नगरपालिका के अधिकारियों ने दी जानकारी। सांसद निधि से केंद्रीय मद से होना था निर्माण कार्य। सांसद हरसी विषय ने दी जानकारी, उन्हें नहीं भेजा गया स्विमिंग पूल निर्माण के लिए कोई प्रपोजल और कोई भी पत्र। मध्य प्रदेश शासन भवन एवं सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के लिए शासन ने जारी की जानकारी। मुख्यमंत्री कन्यादान सामूहिक विवाह योजना में विवाह करने पर ही मिलेगा योजना का लाभ। पेंशन की मांग पूरी करवाने के लिए मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के द्वारा जिले भर में आंदोलन के लिए बनाई गई जारी है रणनीति। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के आदेश के बाद बदली लोक सेवा केंद्र की व्यवस्था। बिना आवेदक के नहीं ले रहे हैं लोक सेवा केंद्र के प्रभारी आवेदन, हितग्राही हो रहे परेशान। लालबरा तहसील के भांडामुरी गांव में बाघ पकड़ने के लिए वन विभाग ने लगाया पिंजरा। पकड़ा गया तेंदुआ, दूसरे तेंदुए ने रात भर देते रहा आवाज, ग्रामीणों में बना दहशत का माहौल। वन विभाग की टीम ने दोबारा दूसरे तेंदुए को पकड़ने के लिए लगाया पिंजरा। ग्रामीणों को रात के अंधेरे में और दिन के उजाले में अकेले खेत जाने और जंगल के भीतर जाने पर लगाई रोक। कटंगी क्षेत्र से पहुंचे आधा सैकड़ से अधिक ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को बताई परेशानी। मुख्यमंत्री आवास योजना का कर्ज माफ किए जाने की लगाई गुहार। पीएम आवास योजना का लाभ दिए जाने की भी मांग की। एमआर यूनियन के द्वारा मनाया जा रहा है सिल्वर जुबली कार्यक्रम। रीवा से रायपुर तक निकाली गई बाइक रैली, मंगलवार को बालाघाट पहुंची बाइक रैली, शहर का किया भ्रमण, रायपुर के लिए हुई रवाना। नवीगांव थाने के अंतर्गत उमरधोनी गांव में शराब पीने पर पति के डांटने पर पत्नी के द्वारा किया गया कीटनाशक का सेवन, गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। हट्टा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पारसवानी और नहरवानी गांव के खेत में काम करने के दौरान दो लोगों को सांप ने काटा, दोनों का जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। लालबरा क्षेत्र में अघोषित कटौती के विरोध में सामने आए ग्रामीण, जिला मुख्यालय पहुंचकर अधिकारियों को बताई परेशानी। समस्या का समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। बारासोनी थाना के अंतर्गत ग्राम बोधाटोला में अनियंत्रित मोटरसाइकिल पुलिया से टकराई, घटना में दो लोग हुए घायल। मध्य प्रदेश में सहकारिता विभाग के बीते 8 से 10 वर्ष से रुके चुनाव करवाए जाने के दिए गए संकेत, मई के अंतिम सप्ताह में हो सकते चुनाव। लालबरा जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली बल्लारपुर पंचायत के रोजगार सहायक की सेवा समाप्ति के हुए आदेश। भ्रष्टाचार के मामले में ग्रामीणों ने खोल रखा था बीते दिनों से मोर्चा। बैयर थाना के अंतर्गत आने वाले कुमादेही गांव में पुलिस के द्वारा 3 दिन बाद मृत महिला का शव को निकालकर किया गया पोस्टमार्टम। जानकारी के अनुसार मृतिका ने फांसी लगाकर की थी आत्महत्या, ग्रामीणों ने नहीं दी थी पुलिस को जानकारी। बारासोनी थाना के अंतर्गत नेत्रा गांव में घर की पानी की टंकी में डूबने से 1.5 वर्षीय बालक की हुई मौत।